का सीमा सरगम, एक ही स्वर में सब कर गोड़ छुके गोड़ लगा तनी। आज मैं एक ऐसी व्यक्ति की बयां करने जा रही हूँ जिन्हें लोग गरीबों के मसीहा कहते हैं और कानून के लोग बाहुबली के नाम से जाना करते हैं। एक ऐसे मसीहा जो कि गरीबों का हमेशा साथ देने वाला, जो हमेशा दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। आज वो शख्स हम सबों के बीच में नहीं रहे। माननीय आप स्वर्गीय मुख्तार अंसारी जी को मैं अपनी दिल की गहराइयों से श्रद्धा का सुवन अर्पित करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ जन्नत में सबसे ऊंचा स्थान प्रदान हो। आप सबके बीच में एक श्रद्धांजलि भी रहा मैं भेज रही हूँ। आशा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग आशीर्वाद और प्यार देंगे। कभी जी चार लाइन भूमिका के भाव में लिखलन है, कैसे भैया? अरे मौत गम में खड़ी नीरी नजरों में आती, ना ठिकाना कोई काल कब आएगा, जिसमें सामर्थ है रोक ले अपने बल से, जिसको जाना जरूरी वह चल जाएगा, जोगी बलिवान राजा भिखारी भले, अरे सूरमा वीर योद्धा को जाना पड़ेगा, राम निवास सीमा न बच पाओगे, वक्त की मार तुमको भी खाना पड़ेगा। ए बाबू बतावल जाला, ये दुनिया में जे भी आइल बा एक ना एक दिन सबके जाए के जरूर बा, लेकिन केहू अपने मौत से जाला आ केहू मौत से पहले चल जाला। ए भैया कष्ट इतने बाती कबा, बिरहा में एक ठे गजल का टुकड़ा लगल, कैसे भैया? मौसम है आसी का ना, मौसम है आसी का ना, ये दिल कहाँ से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, कैलम कैसे? ओ हो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, दुनिया
बनाया। आती समझ में नहीं है कि ए दुनिया के मालिक ए माया के नगरी में का काबा। कहानी कैसन बा, कवि जी संकेत कैलन नजम का लाइन लगल बिरह का कहानी शुरुआत हो गई भैया। जिला गाजीपुर यूसुफपुर का फसाना है, मोहम्मदाबाद को यह जानता जमाना है। नाम सुभान अंसारी चर्चित इंसान रहे, मियां बीबी के बीच तीन गो संतान रहे। सोशल मीडिया द्वारा यूट्यूब द्वारा देख रहल बनी, चर्चा का इतना विषय बनल बा कि लोग में हलचल मच गई बा। जगह जगह पे धारा 144 लागू भइल बा। कहानी कहां का बा? जिला गाजीपुर, थाना मोहम्मदाबाद, नगर पंचायत के रहे वाला जेकर नाम बतावल गईल सुभान उल्लाह अंसारी। सुभान उल्लाह अंसारी से कहानी शुरू भइले भैया। जेकर भगवान तीन गो औलाद दिले हुन, बड़ बेटा का नाम शिवतुल्ला अंसारी, दूसर का बेटा का नाम अफजाल अंसारी और सबसे छोट बेटा का नाम मुख्तार अंसारी। ए भैया, कहानी सुभान उल्लाह अंसारी से शुरुआत हो गई। नगर पालिका मोहम्मदाबाद से दो बार चेयरमैन भइलन, यही से राजनीति का शुरुआत हो गई। आ जब राजनीति का शुरुआत भइले बाबू तो देखी बिरहा में एक ठे गीत लग गए। कोनो नई नवेली दुल्हन अपने माइके में फोन लगा के अपने मतारी से बतियावे और कहे क्या कहे, भैला बियाह मोरी जौन पगला से, पगला से होई गुजारा नहीं वो दो गला से, ओही नहीं घर में डाल दे मड़ैया रे, ओही नहीं घर में डाल दे मड़ैया रे, सैया सुते लल के भऊ जइया रे, सैया सुते लल के भऊ। देखी जब शुरुआत भइल तब भइल का
समान बीरी गेडियर कहिले आर्मी के फौज पीछे नमवा कमईले गेडियर कहिला आर्मी के फौज बीचे नमवा कमईला चाचा उनके हमीद अंसारी हो चाचा उनके हमीद अंसारी हो भैले सच्चा राजनीति के पुजारी हो पद दो दो बार पवले फर्ज जिम्मेदारी वाला अपन निभावले जो कि मुख्तार अंसारी साहब के नाना जी ब्रिगेडियर थे और चाचा हमीद साहब उपराष्ट्रपति दो दो बार बनाए गए ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे। ए भैया बिरहा में एक ठे गीत लग गई कोनो मेहरारू कहे बूढ़ावा के चढ़ल बजमनिया बूढ़ावा के चढ़ल बजमनिया हो जनवकी कनिया लेकिन बिरहा में कवि जी संकेत कैलन सीबतुल्लाह जब की जावन अइले सीबतुल्लाह जब की जावन अइले राजनीत में अइले विधायक दो दो बार बाल करिया बाबू अलिहले संभाल क्षेत्र वाक्य बाग डोरिया कमवा विकास वाला कोइले राज
अफजाल अंसारी अइलन। दूसरी बार मुख्तार अंसारी भी राजनीति के मैदान में उतर गइलन। लेकिन वही में जोन मुख्तार अंसारी का भाई सबसे बड़ सिफतुल्ला अंसारी प्रमाण मिला कि सिफतुल्ला अंसारी एक टीचर थे। लेकिन जब सन 2003 में मऊ का दंगा हुआ तो उसी दंगे में दोनों भाई मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों लोग जेल में चले गए। जब दोनों लोगों की सजा हो गई तब अब जनता उमड़ पड़ी। जब जनता उमड़ पड़ी तो देखें सिफतुल्ला अंसारी साहब अपने मास्टरी का रिजाइन दे करके और आए इस राजनीति में कदम रखे। और जब राजनीति में कदम रखलन है भैया तो देखी एहर भैल का बिरहा में एक गीत लगे भैया निर्मोही दगा देके अरे पागल रे निर्मोही दगा देके लेकिन देखें होता है क्या और जलिया सच्चा जलिया से चार बार भैला विधाया बीज पता के फहारवले हो अपने मनवा के सपना पूरवले हो अपने मनवा के सपना पूरवले हो अपने मनवा के सपना जिनके विरोधी बिरजेश सिंह भारी बगावत त्रिभुवन सिंह कैला सपना रवले हो पीर मनवा के आराचिया भैया ए भैया प्रमाण मिलल कि बिरजेश सिंह से जब उसरी में मुठभेड़ भइल तब मुख्तार अंसारी साहब को दू गो सार भी मराई रहे। लेकिन ए भैया और कुछ गनर भी मारे गए थे फिर भी मन में सपना वही था कदम पीछे नहीं हटाते हैं। आखिर में भैल का बिरह में गीत चेंज हो गई भैया जवनिया में गड़िया छूटल रे राजा
दिल का। अरे दो दो लाल पैदा भइल ये बाबू, अरे दो दो लाल पैदा भइल ये बाबू, अरे जहनवा में नाम कइल ये बाबू। अब्बास उमर मुख्तार के ललनवा, अरे खाली न जाला लगावे जब निशनवा, अरे तभी सुयंदर सूटर, अरे तभी सुयंदर सूटर का हैला ये बाबू, जहनवा में नाम कैला ये बाबू। साहब जेल से चार बार विधायक बने और साथ ही साथ प्रमाण मिला मुख्तार अंसारी साहब के दूगो बेटा, एक बेटा का नाम अब्बास और दूसरे बेटा का नाम उमर अंसारी बताया गया। ए साहब, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी प्रमाण मिला ओलंपिक निशानेबाज पहला नंबर पे अब्बास अंसारी और दूसरा नंबर पे उमर अंसारी, इतना निशाना में इतना पक्का रह लो कि एगो चमन्नी धई के मार दे तो तुरंत छटक जा सरवा। ए भैया, ऐसे परिवार थे, बिरहा के शैली में बतावल गई का। अरे पगरिया ना झुकइबे जंग में, ए हो पगरिया ना झुकइबे जंग में, अरे जेकरिया नाम से कांपे दुश्मन के टेंगरिया, पगरिया ना झुकइबे जंग में। धीरे धीरे लोग और मजबूत हो गई लन। बतावल जाला कि जेकर जड़ मजबूत होला ओकर पलई कभो भी मजबूत होई, जितने जड़ मजबूत होई ओकर पलई उतने लचीला होई। ए भाई, आखिर में भइल का, कोनो लइका कोनो लइकी से कहले रहे बजरा बोला के बजरा बोला के धोखा कैलू लजैलू कहे मियरा बोले के, मियरा बोला के मियरा। कवि जी लिखलन है ये बिरहा के भाव में, अभी आज भी आप लोग जान रहे हैं और यूट्यूब द्वारा देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। कवि जी लाखों लाखों का बात लिखले हुन बारे राम निवास कवि जी, कायम बाटी अब ही ले किरितिया हो, कायम बाटी अब ही ले किरतिया हो, पिरतिया तो हरी भूल ले ना भूलनी है, भूल ना भूलनी है, सब
सदर हॉस्पिटल तो घरे नाम से जंगल स्वास्थ्य केंद्र नाम सेवा नमला गुजतबा डारी गईला सब ही पे विपत्तिया हो तृतिया तोहर भूल लेना भूल नहीं है मुख्तार अंसारी साहब के परदादा डॉक्टर मुख्तार अंसारी के नाम से हॉस्पिटल चल रहा है। डॉक्टर एमए अंसारी इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में चल रहा है और महिला इंटर कॉलेज इसी ईशुपुर मोहम्मदाबाद में चल रहा है। एमए आप लोग कंफ्यूजन मत होखी अनी मान्य आप मुख्तार अंसारी साहब के परदादा का भी नाम डॉक्टर मुख्तार अंसारी था। ए भैया आज देखी ये परिवार में कैसन दुख के घड़ी आई बा ए बाबू। परिवार के लोग कह रहे हैं अभी तो मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है मैं नहीं कहती हूँ लेकिन मीडिया द्वारा यूट्यूब द्वारा सोशल मीडिया द्वारा प्रमाण मिला कि मुख्तार अंसारी साहब के परिवार के लोग कह रहे हैं और रिकॉर्डिंग हमने सुना यूट्यूब द्वारा कि मुख्तार अंसारी साहब ने अपने परिवार से बात किए भाई से बात किए और बेटा से बात किए कि उन्हें सिलो पॉइजन दे करके इस दुनिया से लोग हटाना चाहते हैं। अब इसी बात की लोगों के बीच में चर्चा है आज हमारे और आपके बीच में माननीय मुख्तार अंसारी साहब नहीं रहे लेकिन उस दिन की इंतजार है पोस्टमार्टम हुआ है कब आएगा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और क्या सच है अल्लाह के लाइन में प्रमाण मिलल अर्ज करे नाम से वही अर्ज करे नाम से वही मो अहमदाबाद बिचवा बाबू डॉक्टर अंसारी कॉलेज चलत बा हिंदुअन के शेर कितना मंदिर बनवल साहब कितना गरीब मन के देहले बसा होली त्योहार में वो भूमिका निभावे यापन सन 24 ठीक 28 मार्च वाला दिन माया साहब सस्ते खराब भाईल गईले मुरझाए ए साहब प्रमाण मिलल कि माननीय मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक खराब होती है और जब तबीयत खराब भईले बाबू तो देखी लोग लेके गईलन डॉक्टर से देखैलन आ जब कुछ स्वास्थ्य ठीक भइल तो वापस जेल में भेज दिहल गईलन जाए के फोन लगौलन अपना बेटा
उमर से बात करत हुए। उमर कलन, पापा पापा लगत आपका तबीयत कुछ ठीक नहीं लगत है। माननीय मुख्तार अंसारी साहब बोले, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मुझे लोग मार देना चाहते हैं बेटा, और जानते हो मैं चल नहीं पा रहा हूँ बेटा, मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ बेटा। ए भैया, बेटा उमर अपना पिताजी से बतियावत हुन कलन, पापा आप टेंशन मत लीजिए, आप तो बहुत बहादुर है पापा, बहुत बहादुर है पापा, अभी अभी इतने में आप मत घबराइए पापा, अभी हम लोगों को बहुत आगे तक जाना है पापा। और पापा, रोजा का दिन चल रहा है ना, मैं आपसे बहुत जल्द मिलने आऊंगा पापा, और मैं खजूर भी लेके आऊंगा पापा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ए बाबू, देखी तबले भैल का, बादा जेलिया से लोग मेडिकल ले गईल साहब, इतने में सूखा ना हो गईल पारा, घड़िया बजवले रात दस के समैया साहब, सुनके परिवार वाला रोवे भी लखा। ओ मनहूस घड़ी मेरे साहब, रात की दस बजाई तो आज पता चला कि माननीय मुख्तार साहब इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। परिवार वालों को पता चला, आखिर में सबकी आंखें नम है, कलेजा फट रहा है। ऐ मेरे साहब, बताया गया खड़ी के अंदाज में, अरे परिजन का है लदी अलजवर पियाई पापिया। मैं नहीं कह रही हूं, मुख्तार अंसारी साहब के परिवार के लोग कह रहे हैं। अभी तो मैं इंतजार कर रही हूँ क्या सही है और क्या गलत है। भाई जब पुख्ता सबूत मिलेगी तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन कहले हैं लोग का, अरे परिजन कहा कि दिया लजावर पियाई पपिया, अरे दिया लदो खवास जल में मुआई पपिया। सिलो पाइजन दे करके माननीय मुख्तार अंसारी साहब को खत्म कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर की क्या कहना है, कभी जी संकेत करते हैं क्या? डॉक्टर कहेले दिल के दौरा परल बारी, अरे पलवा छिपवला निरदया अत्याचारी। अरे रोवे ल सबई छवले बादू खदाई पपिया, अरे दियल धोखवा से जेल में मुआई पपिया। किसका कहना सच है और किसका कहना झूठ, लेकिन ए बाबू, लोगन का ताता लगल बा, भीड़ लगल बा, कितने लोग इकट्ठा हुए हैं हम और आप गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि एक गरीबों का मसीहा इस दुनिया से चला गया। दुख तो इस बात की है साहब कि लोगों की भीड़ लगी है, सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, लेकिन
माननीय मुख्तार अंसारी साहब के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को मिट्टी देने का सौभाग्य नहीं मिला, उन्हें लोग मिलने नहीं दिए, कोर्ट आदेश नहीं दिया, लास्ट में गुरघराने का पर्चे दिहल गई। कैसे भैया? गुरु बिहारी गुरु गणेश जी समय होत बलिवान, अरे राम लाल गुरु बच्चन चंद्रिका भारी बैल गुणान हो। अरे पगरिया ना झुकई पे जंग में, तसी मर राम निवास के रथ हाके मयरिया, पगरिया ना झुकई पे जंग